सलामी। आप सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हर एक जवानों का हम इस आराधना में तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे और आरंभ करने से पूर्व आह्वान वचन को सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 34 पद संख्या 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 34 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से यहाँ मिलता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आमीन। हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 3। साक्षीवाणी गीत संख्या 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ईश्वर महिमा। Thank you.
उठे, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल के जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन।
पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन को हम लोग पहले पाठ वचन के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 5 पद संख्या 34 से लेके 42 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42। प्रेरित 5 34 से 42। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस प्रकार से मिलता है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मानने था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूस दास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेतों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। समस्त क्रिश्चियानी कलिसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस प्लातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन।
हम लोग साक्षीवाणी से आगे गीत गाएंगे, गीत संख्या 152, साक्षीवाणी गीत संख्या 152, 152, कर विश्वास पापियों का तारनहार, स्वर्ग से केवल यीशु आया किसी दूसरे से उद्धार, साक्षीवाणी की संख्या 152। परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्यार पिता कि तू हमारे साथ में हो के, हाँ परमेश्वर आप ही अपने अनुग्रह और दया में आज तक बढ़ाया है। धन्यवाद देते हैं प्यार पिता, तू हमें नहीं छोड़ा है परमेश्वर, और हर बात हर काम में तू हमारा मित्र होकर, हमारा सहयोग होकर, हमारा चिंता करने वाला होकर आज तक बढ़ाया है परमेश्वर। आज के वचन
का संदेश हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक रूप से प्रभु आप ही हमसे बातें कर ताकि हम अपने अच्छे ख्रिस्टीय जीवन के लिए इसे ग्रहण करने पाए। यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं पिता, विनती दया से सुन के स्वर्ग राज में ग्रहण कर लिए, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हम लोग सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय पद 1 से 11। हमारे लिए जो आज मनन के निमित्त दिया गया वचन है संत लूक अध्याय 5 1 से 11, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, शीर्षक है प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समाउन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समाउन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समाउन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर समाउन पत्रस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्ते के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समाउन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समाउन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग वैसे तो बहुत से उपदेशक देखे हैं, और पुलपिट अर्थात जो हमारा जो उपदेश मंच होता है वो भी तरह तरह का देखे हैं। हाँ, शानदार होना जरूरी है, गिरजाघर भी शानदार होना चाहिए ही चाहिए, और उपदेश मंच उसी के हिसाब से होना भी चाहिए। ये सब बातें तो होती रहती हैं और ज़रूरी भी हैं, परंतु बात है कि जितना अधिक खुले मैदान में, खुले आकाश में जो प्रचार करते हैं वो ज़्यादा आत्माओं को जीतने वाली होती हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। तो यीशु ख्रिस्ट इससे पहले वो आराधनालयों में उपदेश करता था। आराधनालय यहूदियों का एक विशेष स्थान होता है जिसको सभागार भी कहते हैं, आराधनालय के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। और यह मंदिर नहीं है, ये सभागार या आराधनालय मंदिर नहीं है, इसमें दान नहीं चढ़ाया, इसमें जो बलिदान है वो नहीं चढ़ाया जा सकता है। बलिदान सिर्फ यरूशलेम के मंदिर में ही हो सकता है, लेकिन अपनी आवश्यकता के हिसाब से यहूदियों ने जहाँ कहीं भी ये रहने लग जाते थे वहाँ पर सभागार का निर्माण ये कर लेते थे। इस तरह से इससे पहले यीशु ख्रिस्त सभागार में ही उपदेश करते फिरा। मसीह प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग घर से निकलते हैं और घर को जब ताला लगाते हैं तो हमारा चेहरा घर की ओर होता है, और जब ताला लगा करके हम मुड़ जाते हैं तो घर हमारा पीछे हो जाता है और हम एक खुले आकाश को, एक बृहद क्षेत्र को देख पाते हैं। यीशु ख्रिस्त के साथ में ऐसा ही हुआ। एक बड़ी भीड़, बार बार हम लोग धर्मशास्त्र में सुनते हैं कि यीशु के सुनने के लिए बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। लोगों को पता चलता था कि वह कहाँ पर है तो ये लोग उसकी सुनने के लिए दौड़ पड़ते थे, और यही बात आज भी हुई। हम लोग धर्मशास्त्र में पाते हैं, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी
और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ये उनका जो मछुओं का काम था नियमित रूप से चलते ही रहता था। जब भी झील में वो जाते थे मछली पकड़ने के लिए उतर करके जालों को मरम्मत करना या जाल में फंसे मछलियों को निकालना, उनको टोकरी में रखना, ये सामान्य काम उनका रोज के जीवन में होता था। तो ये जो गन्नेसरत झील हम लोग कह रहे हैं वो तिब्रस झील भी कहलाता है और ये गलील झील भी कहलाता है और दूसरे सुसमाचार में इसको सागर भी कहा गया। लेकिन लूका सागर क्या है और झील क्या है इसको जानता था और इसलिए यहाँ पर सीधा सीधी हुआ झील कहता है, अर्थात झील वो समुद्र या सागर नहीं है, इसका एक सीमित सीमाना होता है। और बताया जाता है जो गन्नेसरत झील या तिब्रस झील या गलील झील की जो लंबाई है वो लगभग 13 माइल हम लोग 20-21 किलोमीटर कह सकते हैं और चौड़ाई 8 माइल का है, अर्थात हम लोग वही करीब करीब 12 किलोमीटर हिसाब कर सकते हैं। तो इसलिए इतना ही लंबा चौड़ा उसका सीमाना है और हम कहेंगे तो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं और इसलिए नावें लगी रहती थीं क्योंकि उस झील के किनारे किनारे जितने भी गांव थे उनका मुख्य पेशा मछली पकड़ने का ही था। ऐसे तो बताया जाता है कि ये जो गलील क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और वहाँ पर अच्छा खासा गेहूँ जौ और तरह तरह के फल फ्रूट इत्यादि होते थे। तो हम कहेंगे अच्छी आबादी वाला यह क्षेत्र था, गलील का झील किनारे किनारे लोग अच्छा खासा वहाँ पर बस गए थे और बताया जाता कि लगभग 9 शहर हम लोग सिटी या मेट्रो सिटी का नाम नहीं देंगे लेकिन छोटे शहर के रूप में 9 शहर थे और बताया जाता है कि कम से कम 15,000 लोग जरूर एक शहर में निवास करते थे। तो इतने लोगों का रोजी रोटी उस झील के द्वारा से चलता था। तो आज जो यहाँ पर हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, जो संदर्भ देख रहे हैं, यही मछली पकड़ने का समय था जहाँ पर यीशु आता है और उसके साथ में बड़ी भीड़ थी। स्वाभाविक है कि समुद्र या झील के किनारे यीशु है और लोगों की भीड़ जमा हो रही है तो लोग उसे न दबा दें, इसलिए वहाँ पर जो उपस्थित मछुआरे थे उनके नाव को बोला कि थोड़ा सा अंदर तरफ ले चलिए और वहीं से वो उपदेश देने लगा। और उपदेश के बाद में क्या बोलता है कि समाओ थोड़ा सा चलो अब गहराई में ले चलो। समान बोलता है कि स्वामी हमने तो रात भर मेहनत किया लेकिन मछली तो नहीं पकड़ पाए लेकिन फिर भी आपकी कहने से मैं डालता हूँ। बिल्कुल अनमाने ढंग से हम कहेंगे वो निराश था, हताश था, रात भर मेहनत किया और अभी यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि अभी गहराई में ले चलो और अपना जाल डालो, ये तो शायद असंभव जैसा दिख रहा है। चूँकि मछली पकड़ने के लिए वही लोग तो बिल्कुल माहिर थे, कब मिलते हैं, किस तरह की मछलियाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें उनको मालूम था। लेकिन यीशु ख्रिस्त जो कभी मछली पकड़ने के लिए तो नहीं आए लेकिन कहते हैं कि जाल डालो, तो ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं डालता हूँ और उसने ऐसे ही किया। और वचन में हम लोग पाते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया आकर हमारी सहायता करो और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हताश निराश हो चुके थे, रात भर वे परिश्रम किए लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी क्या होता है कि दोनों नावें यहाँ तक भर ली वे डूबने लगी, इसका मतलब भारी मात्रा में वे लोग मछली पकड़ चुके थे। मछली पकड़ने के वैसे तो कई कायदे हैं जिसको हम लोग एक तो बंसी से भी फंसाते हैं लेकिन जो पेशेवर होते हैं वो बंसी से नहीं फंसाते हैं क्योंकि उसे बहुत कम मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जा सकती थी। एक फेंका जाल बोलते हैं जिसको कि घुमा करके फेंकते हैं और वो नीचे उसके जो किनारे किनारे शीशा का जो एक धातु का वजनदार वो नीचे
जमीन में लग जाता है और उसको खींचते हैं तो मछलियाँ उस घेरे में आ जाती हैं, ऐसा भी उन्होंने बोध किया। और एक होता है फंसा जाल, जिसको महाजाल भी हम लोग धर्मशास्त्र में पाते हैं। ये लंबा होता था और नीचे जमीन तक वो सटा होता था और उसी में आते जाते मछलियाँ फंस जाती। तो इस तरह का जो जाल होता है उसमें अधिक संख्या में मछली पकड़ी जाते हैं। तो संभव है कि यह तो फेंका जाल था होगा, और इसीलिए ही यीशु ख्रीस्त ने कहा कि गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। संभव ये फेंका जाल था, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी संख्या में भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ ली, चूँकि दो नाव डूबने लग गई। और इसीलिए तो उन्होंने अगल बगल दूसरे लोग थे उनको लोग संकेत देते हैं कि आकर हमारी सहायता करो। अब इसके बाद में क्या होता है, यह देखकर शमौन पत्रस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। स्वाभाविक है कि वे लोग मछली पकड़ने में माहिर रहे हैं और अचानक यीशु के कहने से इतनी मछलियाँ ये लोग पकड़ लेते हैं, तो ये आज सचकर ही हुआ। और इसीलिए देखा कि या तो हो ना हो कोई दया पुरुष है जिसके कारण से इतनी मछलियाँ पकड़े गए। और यहाँ पर पत्रस अपने आप को अपनी परिस्थिति को देखता है कि कौन आदमी है जो कि इतना अधिक मुझ पर दया दिखाई। कहता है कि हे प्रभु मेरे पास जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये अपनी अवस्था को यहाँ पर प्रकट करता है। लेकिन यीशु क्या कहता है, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। ये शिष्यों का बुलाहट हुआ। ये शिष्य जो मछली पकड़ने का काम करते थे और अनेक तरह के खतरों से परिचित थे, यीशु ख्रीस्त के शिष्य होने से पहले जब उनका पेशा मछली पकड़ने का था, तो मछली पकड़ने के लिए अर्थात हम कहेंगे मछुआरों का कुछ गुण होता है, और उन्हीं गुणों के द्वारा से हम कह सकते हैं कि यीशु ने एक पैनी दृष्टि उन मछुआरों पर डाली और उनको पहचान पाया कि इनको शिष्य बनाने से कितना बड़ा काम हो सकता है। पहला गुण है मछुआरे का धीरज, जैसे कि आज के वचन में हमने पाया कि रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, इसलिए बहुत धीरज की आवश्यकता है। धीरज की आवश्यकता है मसीह प्यारे भाई और बहनों, एक मसीह प्रचारक को एक शिक्षक को धीरज की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि जब चार मिशनरी हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने 4-5 सालों तक मेहनत किया लेकिन कोई मसीह नहीं होने लगे, तो कितना निराश हो गए। लेकिन वे धीरज धरे और उसी का फल बाद में दिखने लगा। दूसरे नंबर का गुण होना चाहिए वो लगातार परिश्रम करने वाला होना चाहिए। वैसी बात नहीं कि तुरंत जाल फेंके और निकल गए, वैसा तो नहीं है। इसलिए मछुआरे होते हैं लगातार परिश्रम करते हैं, एक बार जाल फेंकते हैं नहीं मिलते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, और ऐसे ही पूरा रात हो। यहाँ हम लोग पा रहे हैं कि रात भर मेहनत किए, और इसलिए जरूर है कि उसको लगातार मेहनत करना है। मसीह प्रचारकों को भी हताश नहीं होना चाहिए, तुरंत फल नहीं मिलता है, और इसलिए लगातार परिश्रम करने की जरूरत है। इस चीज़ को यीशु ने उन मछुआरों पर देखा। तीसरा में है साहस, अर्थात गहरा सागर, झील में रात में मछली पकड़ना है। ये जो गलील झील या गनेसरत झील हम लोग कह रहे हैं, और समुद्र तल से ये 680 फीट नीचे है। बहुत बार हम लोग समुद्र तल से ऊंची पहाड़ की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, लेकिन ये जो समुद्र है समुद्र तल से 600 फीट नीचे, और उसका जो सतह बहुत गर्म रहता है हर समय। और होता क्या है, ये जो ऊपर की ठंडी हवा और पानी के सतह का जो गर्म हवा, इनका जो संपर्क होता है, उस समय बहुत तेज आंधी आ जाती है, बहुत तेज आंधी उठती है। और वैसे आंधियों से ये शिष्य लोग परिचित थे, जिसको कि हम लोग एक बार यीशु ख्रीस्त नाव में चढ़े थे और सोए गए थे, और उसी समय आंधी उठने लग गई थी और शिष्य लोग डर गए थे।
और यीशु ख्रीस्त ने उठकर उन्हें डांटा और सब शांत हो गया। अर्थात ये जो झील में जो तूफान उठा था तुरंत शांत नहीं होता था, बहुत आस्ते आस्ते शांत होता था। और बताया जाता है कि कभी कभी एक सप्ताह तक झील के पानी को, ये तूफान को शांत होने में समय लगता था। इसलिए वैसे खतरों से मछुआरे लोग परिचित थे। मसीह प्यारे भाई और बहनों, साहस एक मसीह प्रचारक होना चाहिए। एक ख्रिस्तीय व्यक्ति को साहस होना चाहिए। और साहस क्या चाहिए कि वह सत्य की साक्षी दे। और सच बोलना बहुत खतरा है, मानो कि हम अपनी जान को हाथ में लिए हुए रहते हैं। और इसी का साहस एक ख्रिस्तीय व्यक्ति को चाहिए। चौथे नंबर का गुण होना चाहिए, अवसर पहचानन की सूक्ष्म दृष्टि। अर्थात ये जो मछुआरे लोग होते थे, देखते थे कि कहाँ पर मछलियाँ हैं, बहुत बहुत दृष्टि गड़ाकर के वो लोग देखते थे कि कहाँ किधर से मछली का इनका जो चाल हो रहा है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है किधर किधर हो रहा है। और इसीलिए वो लोग सूक्ष्म रूप से दृष्टि वो लोग गड़ा रहते थे। पांचवा गुण होना चाहिए, चारा को मछली के योग्य बनाए। हम लोग बहुत लोग हो सकता है कि बंसी से मछली फंसाते होंगे और चारा किस तरह का बनता है उसको भी जानते होंगे, लेकिन अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग चारा तैयार किया जाता है। और इसमें मछुआरे लोग एक्सपर्ट होते हैं और किस नदी में या किस तालाब में किस झील में किस तरह की मछलियाँ मिलती हैं उस तो उसी के अनुसार ये चारा का निर्माण करते हैं। अर्थात एक मसीह व्यक्ति को, एक प्रचारक को भी लोगों को समझने लायक शिक्षा देने की ज़रूरत होती है, उनको समझने लायक वचन का प्रचार करना होता है। और ज़रूरी है कि उनकी समझ के लायक ही वचन की व्याख्या करें। अगर अफ्रीका देश के लोगों को कोई प्रचारक कहेगा कि यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, हिम अफ्रीका देश के लोग हिम या बर्फ उसको तो जानते ही नहीं हैं, तो हिम को कैसे कहेंगे। और इसीलिए वहाँ की भाषा में तो ऐसा कहना होगा कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी ऊन के समान या कपास या रुई के समान श्वेत हो जाएंगे, उस रूप में समझाना होगा। तो जरूरी है अलग अलग चारा की। छठवां में है, होशियार मछुए अपने को छिपाकर या पीछे रखता है। अर्थात जब मछली पकड़ने जा रहे हैं तो आपकी छाया भी नदी में या पानी में नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी छाया वहाँ पड़ जाती है तो मछलियाँ इधर उधर होने लगेंगी। इसलिए बहुत चुपचाप से, बहुत आस्ते से, अर्थात कि कोई आहट ना आए, और तब जाके आपको आस्ते से देखना होगा कि कहाँ पर है, उसी के हिसाब में जाल फेंकना होगा। एक ख्रिस्तीय प्रचारक को भी यीशु को आगे करने की ज़रूरत है, अपने को आगे नहीं परंतु यीशु को आगे करने की ज़रूरत है। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए यह वचन हमें क्या संदेश देना चाहता है। एक परिस्थिति तो है कि गलील क्षेत्र के घनी आबादी को सुसमाचार सुनाना है, और वहाँ के कैसे लोग हैं इसको यीशु ख्रीस्त ने देखा, नज़दीक से देखा। और जब यीशु ने उनकी नाव को ही मांगा और उस पर से उपदेश देने लगा तो मछुआरे तो बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े प्रचारक, इतने आश्चर्यकर्म करने वाला व्यक्ति हमारे नाव को मांगा और उस पर चढ़ करके, उस पर खड़े होकर के उपदेश दिया। अर्थात उस व्यक्ति को वे सुनने वाले लोग चाहे मछुआरे लोग बिल्कुल अपने नज़दीक दोस्त के रूप में पहचान पाए। अर्थात यीशु ने यही देखा कि जो उनका संसाधन है और जिस रूप में वे उपदेश ग्रहण कर सकते हैं उसी परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर अपनी शिक्षा को रखा। और हम कहेंगे कि जो साधन था उसी को उसने अपना प्रचार का माध्यम बनाया। वैसे आज जहाँ कहीं भी प्रचार किया जाता है तो अच्छा खासा पंडाल होना चाहिए, अच्छा मंच होना चाहिए, गाने वालों के लिए अच्छा
स्थान होना चाहिए, साज सज्जा अच्छा होना चाहिए, लेकिन यीशु ख्रीस्ट ने नहीं, वहाँ जिस लोग जिस परिस्थिति में परिवेश में थे उसी को उसने उपयोग मिलाया और इस तरह से उसने अपना वचन रखा। और हम कह सकते हैं कि एक मछुआरे समाज में प्रवेश करने के लिए यीशु को उन्हीं के साधन को लेना जरूरी समझा, उसी को उसने नौका को ही पुलपिट बनाया। और विद्वान लोग कहते हैं कि यह यीशु ख्रीस्ट का पहला ऑर्गेनाइज्ड संगठित शिष्य का दल था। हम कहेंगे इसी तरह से यीशु ने एक संगठित शिष्यों का दल बनाया अपने प्रचार काम को पूरा करने के लिए। मसीह प्यारे भाई और बहनों, ये यीशु ख्रीस्ट का दृष्टि है कि किस तरह से लोगों को उसने पहचाना। हम लोग सब चाय सब बनाते हैं तो उससे भाप निकलता है, भाप निकलता है तो बिल्कुल वो साधारण चीज़ है, लेकिन वही जेम्स वाट उस भाप को निकलते हुए देखा कि इसमें तो एक ताकत है और उसने रेल इंजन का निर्माण किया। और वैसे ही आइजक न्यूटन ने भी जब सेव को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, तो ऐसा तो हम लोग सब देखते हैं, लेकिन उसने दृष्टि डाल करके सोच विचार करके देखा और तब उसने गुरुत्वाकर्षण नियम का उसने खोज किया। तो इस तरह से हम मसीह सेवकों को, हम मसीहों को एक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। लोगों के ग्रहण करने लायक हमारा संदेश होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। उसी बात नहीं है कि जहां हम रहते हैं अगर वहां कम थोड़ा गरीब दर्जे के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और हम ऊंचे दर्जे के कहलाएंगे, उनके साथ यदि उठना बैठना नहीं करेंगे तो उनको हम आकर्षित नहीं कर सकेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ में हम उठे बैठें और तब जाके हमारा चरित्र, हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होगा और इस तरह से हम परमेश्वर के काम के लोग हो पाएंगे। पौलुस कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, मैं यूनानी के लिए यूनानी बना, मैं सबके लिए सब कुछ बना ताकि मैं मसीह के लिए उन्हें खींच लाऊं। और इसीलिए पौलुस कठिन से कठिन परिस्थिति में गया और इस तरह से उसने ऐसा प्रचार किया जिसको कि हम सेकंड फाउंडर ऑफ द चर्च के रूप में उसको मान्यता देते हैं। अर्थात पौलुस हर परिस्थिति में गया, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन वैसी बात नहीं, वह गंवार से गंवार लोगों, गरीब गरीब लोग, लाचार लोगों के बीच में गया और उसने प्रचार किया। यह सब कुछ सुसमाचार के लिए उसने किया। हम लोग वचन में पाते हैं कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और इसी वचन को प्रचार करने के लिए फिर रोमियों की पत्री में 10वें अध्याय के 14 पद से आगे पाते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। परमेश्वर हम सबको एक प्रचारक के रूप में देखना चाहता है, परमेश्वर हम सबको भेजना चाहता है, परमेश्वर हम जितनों को बुलाया, हम जितने मसीह हैं, कोई ना कोई गुण परमेश्वर हमें देखा है, पहचानता है। और इसीलिए तो हम सबों को बहुत सारे वरदान देकर कलीसिया और समाज की सेवा करने का मौका दिया है। आज हम जहाँ भी सेवारत हैं एक मसीह आचरण को बनाए रखें और वह साक्षी अपने जीवन से दें जिसके योग्य परमेश्वर हमें जाना है। परमेश्वर आप इन बातों में हमारी सहायता और अगुवाई करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि तू सचमुच हमारे जीवन में आया, तूने अपने वचन को हमारे बीच में रखा और उसे ग्रहण करने के योग्य तो हमें तैयार किया है। हम उन प्रचारकों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उन शिक्षकों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जिनके माध्यम से हमारे बीच में सुसमाचार पहुंचा। और आज तो यही चाहता है परमेश्वर
कि जो वचन हमने ग्रहण किए हैं उसे दूसरों को भी सुनाएं, दूसरों तक पहुंचाने पाएं। यह बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर तू प्रत्येक को दिया है। आज हम पुनः अपने को इस योग्य बनाने का प्रयास करते हैं प्रभु, कि तू प्रचार के काम में हमें लगाएगा, चाहे हमारा वह दान देना क्यों ना हो, चाहे हमारा मौखिक रूप से प्रचार करना क्यों ना हो, चाहे हम विभिन्न तरह के संगठन या समूह बनाने का हमारा काम है। ये सारी बातों को तू आज हमारे जीवन से पूरे होने दे परमेश्वर। ये विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु, तू दया से सुन के स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे, आमीन। हम लोग आगे साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 239, आओ आओ ईसु पास आओ, वही बुलाता अभी, थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्तिदाता ईसु पास आओ। साक्षीवाणी गीत संख्या 239। Yeah.
मंडली उठे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओ, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, इस समय हमारी मंडली पर विशेष आशीष और अनुग्रह दे, इस प्रकार से जिस प्रकार आपने अब तक हमारी मंडली में हर प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुग्रह और दया परिपूर्णता के साथ दिया है। हमारी मंडली में ऐसी बहुत सारी परिवार है, जिस परिवार में नए बच्चों का जन्म हुआ है, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता है जो अपने घरों में होकर परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक माता पिता की अगुवाई कर, हर एक जवानों की अगुवाई कर, ताकि वो निरंतर आपके प्रेम में आगे बढ़ सके। और ऐसे हमारे मंडली में ऐसे परिवार है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया और मृत्यु के द्वारा वो हमसे हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, उस शोकित परिवार में भी आपकी आशीष हर एक लोगों के जीवन में परिपूर्णता के साथ होने वाले हो पाए। इस समय हम लोग विशेषकर हमारे विश्व को, भारत को, हमारे झारखंड को आपके हाथ में सौंप देते हैं। जबकि पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आ चुका है और हमारा भारत देश इस कोरोना वायरस के तीसरे स्थान तक पहुंच गया है। पिता परमेश्वर, तू हर एक प्रकार से हमें आशीष दे ताकि हम इस कोरोना के वायरस से बच सके। हमें तो आगे बढ़ा आत्मिक जीवन में ले चलने वाला हो, हमारे जीवन में ऐसा मार्ग तैयार कर ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर सके, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में वो चंगाई है, वो सामर्थ है, वो ताकत है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है। हर एक डॉक्टर, नर्सों की अगुवाई कर, स्वास्थ्य कर्मियों की अगुवाई कर ताकि वो निस्वार्थ सेवा हमारे बीच में देने वाले हो पाए। और इस समय जितने भी जगह ऑनलाइन चर्च सर्विस हो रहा है और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, हर एक प्रकार के दानों को, अप्रत्यक्ष दानों को, प्रत्यक्ष दानों को, मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, हर प्रकार के दानों को आप आशीष दीजिए
जिस भंडार से निकाला गया है उस भंडार को हमेशा तू भरा पूरा रख, ताकि भली वस्तुओं की घटी और कमी ना हो पाए, क्योंकि प्रेम से देने वालों से निश्चय पिता परमेश्वर आप प्रसन्न होते हैं। पुनः हर एक बातों को आपके हाथ में हम लोग सौंपते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्याला प्रकाश कर। हमको आपश्चापे मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महातम सदा तेरी है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आशीर्वाद नम्र और दीन होकर आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सुसहाय। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।
मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे।